अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल डेली लाइफ। मेरा नाम साइमा अली खान है डेली लाइफ में। आज हम आए हैं मलेशिया में गेंटिंग में। गेंटिंग यहाँ का टॉप मतलब पहाड़ पे एरिया है एक। ये जो आप सामने देख रहे हैं ये पूरे क्लाउड्स हैं, ये सामने से क्लाउड्स गुजर रहे हैं। तो ये इतनी ऊंचाई पे है जाके, जैसे पाकिस्तान में मरी वाला एरिया है ना, तो बिल्कुल ये वैसा ही है। बस यहाँ बर्फबारी नहीं होती, लेकिन ये आप सामने देख रहे हैं क्लाउड्स हैं, क्लाउड्स ही क्लाउड्स होते हैं। ठंडी हवाएं चलती है और बहुत ठंड होती है, रात में तो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता दिखाती जाऊँगी कि यहाँ पर क्या क्या है। बहुत कुछ है दिखाने को, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करूँगी ताकि आप लोग बोर ना हो। तो आप लोग ये वाला एरिया चेक करें, बहुत खूबसूरत, और इंशाल्लाह ताला आगे भी मैं आपको अभी दिखाती चलती हूँ। ओहो, ये क्लाउड्स हैं, ये मेरे हाथ में भी क्लाउड्स हैं। वाह 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 वाह। अब मैं और ऊपर की साइड आ गई हूँ और यहाँ पर जो है होटल है, ये एक होटल है बहुत बड़ा, और एक ये है, ये अलग अलग है, और एक वो है जो आपको कलरफुल नज़र आ रहा है। तो और अब मैं जो एंटर हो रही हूँ, मैं हो रही हूँ, क्यों देखें कितनी बड़ी है, मैं एंटर हो रही हूँ मॉल में। तो मैं आपको मॉल दिखाऊंगी, यहाँ पर बहुत कुछ है दिखाने को। तो पहले मॉल की सैर करते हैं, मौसम बहुत अच्छा है, ठंडा ठंडा। हाँ जी, तो ये मॉल है काफी बड़ा, और ब्रांड्स हैं यहाँ पर सारे। बॉडी शॉप भी है यहाँ पे, मेरा फेवरेट। अंदर ही स्टारबक्स भी है, सीके, चार्ली एंड खीर। हाय, डायमंड की शॉप। मैं ऊपर की तरफ जा रही हूँ। चलें, और यहाँ ऊपर हम आ गए हैं। यहाँ पर जो है रेस्टोरेंट्स हैं बहुत सारे। इंडोर हैं, आउटडोर हैं, इंडोर भी दिखाऊंगी, आउटडोर भी दिखाऊंगी। ये बहुत ये पूरी स्ट्रीट फूड की है। अब ये मॉल के अंदर की पूरी स्ट्रीट है। मलेशियन फूड स्ट्रीट भी है, चाइनीज फूड स्ट्रीट भी है यहाँ पे, और ये जो सामने मलेशियन और चाइनीज फूड स्ट्रीट है। और ये पूरा मॉल है इस तरह। और ये यहाँ पर एक एडवेंचर लैंड है, ये देखिए एलिफेंट। ये बच्चों का प्ले एरिया है, बच्चों के लिए। एक और एलिफेंट, ओ ट्रक ट्रक ट्रक, वाओ, ट्रेन्स एंड ट्रेन। पिज्जा हट है, टेक्सास है,
अब हम कुछ खाएंगे, बहुत भूख लग रही है। चल चल के बुरा हाल हो गया है तो बस, और कुछ खा के फिर और मजीद आपको दिखाती हूँ। मैन एंजॉय कर रहा है। और एरिया है बच्चों का, कार्स वगैरह हैं, बिलीव इट और नॉट। और ये एक जुरासिक पार्क है, बनाया हुआ है बच्चों के लिए। पर एक और बच्चों का है थीम पार्क, लेकिन कोविड की वजह से ये बंद है। बहुत ही जबरदस्त है ये भी, ये देखें, ये पूरा बहुत बड़ा है ये भी। तो ये वाला जो एरिया है बच्चों का, बहुत ही जबरदस्त है। आप अलग अलग ट्रिक्स, अलग अलग गेम्स, इस सारे टॉयज हैं, आप जितना खेलेंगे आपको ये सब कुछ मिलता जाएगा। तो बच्चे बहुत कुछ है यहाँ पर, बहुत इतना कुछ है, आपको एक रुपये नहीं खा सकते, ज़्यादा ज़्यादा और जरूर खाना। अब यहाँ से मैं ऊपर जा रही हूँ, और ऊपर, क्योंकि जितना ऊपर जाएंगे यहाँ पर उतना मजा आएगा। ये जगह है और यहाँ पर क्लाउड्स ही क्लाउड्स आपको नजर आएंगे। रश है बहुत आज, बहुत ज्यादा। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये क्लाउड्स हैं जिनमें मैं घूम रही हूँ। मौसम देखिए, और ये होटल है और ये रेस्टोरेंट है। ओए होए होए होए, मतलब जालिम वेदर है और जगह है। एक और जगह दिखा देती हूँ अब आपको, मैं ऊपर से नीचे दिखाती हूँ कि कैसा है। चेयर लिफ्ट भी है यहाँ पे। गेंथिंग हाईलैंड में बहुत बहुत कुछ है दिखाने को, और ये पूरी दुनिया इन लोगों ने पहाड़ पे बनाई हुई है। क्या कुछ नहीं बनाया, ये इस तरह है पूरा पहाड़। देखिए क्लाउड्स भी नीचे आ गए हैं, इतने ऊंचाई पे। तो इंशाल्लाह ताला एक और वीडियो बनाऊंगी मैं गेंथिंग हाईलैंड्स की, और भी बहुत कुछ है दिखाने को इंशाल्लाह। तो अब हम वापसी की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। इसी तरह और भी बहुत अच्छी वीडियोस के साथ मैं दोबारा आऊँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।